सूरह मुल्क कुरान शरीफ की 67वीं सूरह है। यह कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद है। इस सूरह में कुल 30 आयतें हैं। इस सूरह में कुल शब्दों की संख्या 337 तथा कुल अक्षरों की संख्या 1316 है। सूरह मुल्क मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। इस सूरह में अल्लाह ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, यानी इंसान अपनी इच्छा दूसरे लोगों पर थोप नहीं सकता, उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, वह सिर्फ हुक्म दे सकता है। अगर कोई हुक्म नहीं माने तो कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। कयामत के दिन सूरह मुल्क पढ़ने से आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। एक हदीस के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से हर रात को बिस्तर पर जाने से पहले सूरह मुल्क को पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से आपको कब्र के अजाबों से निजात मिलेगी। सूरह मुल्क पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। सूरह मुल्क रोजाना पाबंदी से पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की तरफ से इनाम का हकदार होगा। सूरह मुल्क हमारे ईमान की हिफाजत करती है और हमें सही रास्तों पर जाने की नसीहत देती है। जो शख्स हर रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोएगा, उसकी हिफाजत एक फरिश्ता करेगा, वह रात भर उसे बुरे वसवसे से बचाएगा। सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स कभी गुमराह नहीं होगा, अल्लाह उसे गुमराही से बचाएगा। सूरह मुल्क पढ़ने से आपकी दुआ जल्द कबूल होती है। जिंदगी में हौसला बढ़ाने के लिए रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत किया करें। सूरह मुल्क को पढ़ने से आपका दिल और दिमाग शांत रहता है, दिमाग से टेंशन निकल जाती है और जिंदगी में खुशहाली आती है। वैसे तो कुरान की कोई भी आयत या सूरह को याद करना मुश्किल नहीं है। हर सूरह को याद करना आसान है, बशर्ते आपका दिल और दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए। कुरान की हर सूरह को अगर कोई शख्स दिल से पढ़ता है तो वह सूरह उसको अपने आप याद हो ही जाती है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सूरह मुल्क को याद